भाई कल का दिन है ना, पूरे दिन कमरे में रहा, पूरे दिन रेस्ट किया, पता नहीं किस बात का रेस्ट था, लेकिन पूरे दिन कमरे में रहा मैं और कुछ ना कुछ काम करते रहा व्लॉगिंग के अलावा। जो पूरे दिन में व्लॉगिंग का पार्ट था वो सिर्फ सुबह सुबह का था जो तुमने स्टार्टिंग में देख लिया, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। अभी भी सुबह सुबह उठा हूं, फटाफट से दूध और बादाम बादाम खाए, अभी नाश्ता करने जाएंगे, फिर मैंने सोचा आज तो भैया ब्लॉग करना ही पड़ेगा वरना दो दिन की छुट्टी हो जाएगी तुम्हारी। अब क्या देखो, सुबह सुबह मैं इन कॉमन जगहों पे जाता हूँ, जैसे जलमहल हो गया या कुछ भी हो गया, आमेर वामेर, वहाँ शूट करने चले जाता हूँ मैं फोटोज खींचने। अब मैं सेम डेली वही जगहों का ब्लॉग बनाना मतलब थोड़ा अजीब लगता है, तो मैं घर का ही ब्लॉग बना रहा हूँ सिर्फ, बट यू गॉट द पॉइंट। लेकिन कल मैं इसलिए गया था बिकॉज क्या है, जयपुर में है ना फोटोग्राफर्स की एक कम्युनिटी है, मतलब ऐसे तो दो तीन है कम्युनिटी के नाम पर अगर आप ग्रुप बोलो तो, लेकिन एक जो जयपुर के फोटोग्राफर्स हैं जो इंस्टाग्राम पे जो यूथ टाइप है या जो भी तुम समझ जाओ, लेकिन वो उनसे फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कोविड के बाद मिलने का मौका मिला था, तो काइंड ऑफ मीटअप था। तो मैं कहा भाई अपन भी चले जाते हैं, क्या दिक्कत है, अपन को ऐसे जयपुर में है ना ज्यादा लोग जानते नहीं है शक्ल से, नाम कभी कभी फिर भी सुन लिया होगा क्योंकि इंस्टाग्राम है भाई, फोटो इधर उधर जाती है, जयपुर का टैग आता है वो जयपुर वाले तक पहुंच जाती है। तो मैं कहा जाके मेल मिलाप करी आते हैं, तो दो तीन लोग थे, हम मेल मिलाप करी आए, घूमे पैदल पैदल जयपुर में सब जगह, बस इतना ही था। अब उसका ब्लॉग मैं सोचा कर लूं, लोग हैं, बट फिर मैंने कहा यार फोटोज खींचना सब अपने में बिजी है, डिस्टर्ब नहीं करने का, और लेंस भी मैं सिर्फ 50mm लेके गया था, इसलिए मैं भी कोई फोटोज खींच नहीं पाया उससे ज्यादा, और मेरी इच्छा भी नहीं थी, मैं उसे मेल मिलाप करने जाना था। आई थिंक कोविड के बाद निकल रहा है ये बैग, इसके अंदर मेरा पुराना कैमरा है जो कि काम नहीं करता है, खराब हो चुका है, और खराब भी एकदम चलते फिरते, एकदम सही चलते चलते एकदम से खराब हो गया। तो अभी हम इसको निकाले हैं, अभी इसको कोशिश करेंगे, अगर चल जाएगा तो बहुत बढ़िया, नहीं चलेगा तो फिर वैसे ही कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा इसका। किसी को लेंसेज वगैरह चाहिए तो बता देना, मेरे पास ये एक्स्ट्रा पड़े हैं, दो लेंस है, किट लेंस है, लेकिन एवन क्वालिटी है। किसी दिन है ना मैं भाई बहुत गंदा फंसने वाला हूँ, क्योंकि मैं ऐसे अपना सामान लेके जाता हूँ, सोचो गिर गया नहीं लैपटॉप, फटका लगा बहुत गंदा। जस्ट लुक एट दिस भाई, इसका ये बॉडी कितना बड़ा है, मतलब इससे यूज टू था मैं किसी जमाने में, अब जब से मैं M50 यूज कर रहा हूँ तो ये सब इतना बड़ा और भारी लग रहा है ना मेरे को, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जबकि ये बहुत काम के लेंस है, मैं बता रहा हूँ तुमको, ये तो 18-55 है, मेरे पास 15-45 है, लेकिन ये 55-200 भाई जूम लेंस, ये चीज मैं इतना मिस करता हूँ ना, क्योंकि मैं जब भी फोटोज खींचने जाता हूँ तो मेरे को चाहिए एक जूम लेंस, बहुत काम आता है। बट देन द थिंग इज कि अब ये चल नहीं सकता, इसका अलग से अडैप्टर खरीदो, ये खरीदो, कोई खर्चा करने से मतलब नहीं है, ये फिर ऐसे ही पड़ा है। अभी इसकी बैटरी चार्ज हो रही है, इसके बाद चला के देखेंगे, 99.99% तो ये चल जाएगा, क्योंकि इसको मैंने 2 साल से ऑन नहीं किया है, बट नहीं चलता है तो फिर इसको सेल करना है भाई। तो भाई ये लेंस जो है ये चल तो चुका है, देखो एकदम बढ़िया मेमोरी कार्ड, अरे यार जब मैं बना रहा हूँ तभी इसको चिल्लाना होता है, हद हो गई, मैं मेमोरी कार्ड नहीं है, बट एनीवेज इट इज वर्किंग वेरी फाइन, नो डाउट, ये डेमो है बिकॉज नो मेमोरी कार्ड ऑप्शन आ रहा है इधर। अब तुम सोचो सबसे पहले मैं इससे व्लॉग करता था बिल्कुल ऐसे करके 18mm पे लगा के, और कोई स्क्रीन का पीछे कुछ नहीं दिख रहा मेरे को, बहुत दिक्कत होती थी भाई, मैं जानता हूँ कैसे व्लॉग किया मैंने इस कैमरा से, बट हाँ अब इसको अपन सेल करेंगे, और इसको सेल करके जो पैसा आएगा उससे अपन खरीदेंगे नया लेंस। और भाई इसमें देखो कलर्स कितने प्यारे आ रहे हैं भाई, फ्लैश सब काम कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और इसके अंदर मेरे पास सब कुछ है, इसका लेंस हुड है, इसके ये कैप्स वैप्स सब एकदम टॉप नॉच, हर चीज पड़ी है भाई, बैग पड़ा है, बैग में इसके वायर्स सब पड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखने से तो भाई यही लग रहा है कि आज का सनसेट भी अच्छा हुआ होगा, बट आई डोंट नो, बट अभी हम जा रहे हैं काम से, तो कल मिलते हैं, बाय। एक्चुअली काम नहीं है यार, कुछ बढ़िया खाने का लेने जा रहा हूँ।